टीमें लगातार बढ़ रही हैं, हमारी स्क्रीनिंग टीमें लगातार बढ़ रही हैं और सैंपल लगातार घट रहे हैं, तो ये कहीं विरोधाभास नहीं है कि कहीं कुछ इस तरह से कि आंकड़े जो है वो? आपको मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहूंगा, पूर्व में जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग बहुत डेंस एरिया में जो हॉट स्पॉट थे, जहां बहुत ज्यादा मरीज मिले, वहां काम कर रहे थे। काम का विस्तार करते करते अब हम उन वार्ड्स में भी जा रहे हैं जो जहां पर कोई केस नहीं थे, जो अछूते थे। जहां तक सैंपल लेने की बात है, तो सैंपल लेने के ICMR के 6 गाइडलाइन हैं, उनका नियमतः पालन किया जा रहा है। उस श्रेणी में जो भी व्यक्ति आएगा उनका हम सैंपल लेंगे और जांच के लिए भेजेंगे। किसी भी तरह के जो आपका कहना है वो मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि आंकड़े कम या ज़्यादा करने के हिसाब से ये सैंपलिंग कम ज़्यादा की जा रही है, बल्कि ये निश्चित है कि अब हमें पॉजिटिव सस्पेक्ट केस मिल नहीं रहे, कम मिल रहे हैं। उसका एक उदाहरण ये था कि कल की जो जांच है, अगर आपने रिपोर्ट को ध्यान से दिया हो, देखा हो, कल और परसों दोनों दिन का जो सैंपल कलेक्शन का डिफरेंस है वो 421 का है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सैंपल सबने कम कर दिए। तो टोटल डेथ कितना हो गया अभी? अभी तक कल तक 48 डेथ थी और आज ये हमारे जो TI महोदय की मृत्यु हुई, इनको मिला लिया जाए तो 49 डेथ होती है। एक अन्य डेथ अभी कागजात की हमें जानकारी लेना है और वो एक पूर्व पार्षद महोदय थे जिनका रिपोर्ट बाद में पॉजिटिव आई थी। जैसे ही उनकी समस्त कार्रवाई मिल जाएंगे उनकी मृत्यु की भी घोषणा कर दी जाएगी। सर क्या स्थिति है आज की कल के आंकड़ों में, क्योंकि कुछ फेरबदल था, 11 फिर से हटा दिए गए थे? जी, वो दरअसल बात ये थी कि पहले जो दूसरे राज्य के 11 लोगों को हमने अपने राज्य में जोड़ा था, अपने शहर में जोड़ा था, क्योंकि वो इंदौर में उनका जांच हुई थी और उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, इसलिए वो आंकड़ों का 11 का फर्क आ रहा था। उच्च अधिकारियों से चर्चा के बाद ये निर्णय हुआ है कि क्योंकि वो अपने प्रदेश के नहीं है, इसलिए अपने प्रदेश में उनका लिया जाना ठीक नहीं होगा। वो 11 नाम जो पहले हमने एक बार आपको बता के जोड़े थे, कल वो हटा दिया गया है और ये उसका विवरण था जो मैंने आपको बताया। सर ये अन्य राज्य? जी, अन्य राज्य के थे, तबली की जो बाकी लोग थे वो थे और अन्य राज्यों में इसमें 3-4 राज्य के लोग थे। उसके बाद अब फाइनल किस तरह की स्थिति? उसमें 12 लोग थे, मतलब जो एक और बाद में जुड़े गए थे। एक बाद में जुड़ा था वो, इसको भी देख के अभी कल की जो लिस्ट मेरे सामने थी वो 11 की लिस्ट थी, इसलिए मैंने उसमें से 11 को परमिशन लेके उसको हटाया है। अब 12वां भी अगर उसमें कुछ रहता है तो उससे भी। ये नाम सर अन्य जिन राज्यों से आए हैं वहाँ जोड़ेंगे? जी, वहाँ भेजे जाएंगे और वहीं उसी राज्य में उनको जोड़ना होगा। अब क्या स्थिति है? अभी इनको कल रात को 9 लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था और उसे जोड़ने के बाद अभी 890 की संख्या पे हम पहुंच गए। सर दूनी इंदौर TI के डेथ पे हमारे साथी जो बड़े अच्छी तरह से मेहनत से काम कर रहे थे और वो 18-19 दिन तक जीवन से लड़ाई लड़ने के बाद कल आज प्रातः 1:30 बजे के आसपास उनका निधन हो गया। क्या क्या वो उनकी डेथ जो है वो कोरोना से हुई या कोई और रीजन रहा? देखिए, उनको जो तकलीफें थी जिसके आधार पर उन्हें भर्ती कराया गया और जब रिपोर्ट कराई गई तो वो कोरोना पॉजिटिव आई थी, इसलिए वो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज थे। ये अलग बात है कि दो जांचें जो हम डिस्चार्ज करने के पूर्व कराते हैं वो दोनों निगेटिव आ गई थी, यानी कि वो कोरोना के संक्रमण से फ्री हो गए थे। तत्कालिक मृत्यु का कारण जो वहाँ के चिकित्सकों द्वारा बताया जा रहा है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म बताया जा रहा है और वो भी एक कॉम्प्लिकेशन कोरोना का हो सकता है। कितने दिन भर्ती रहे सर? वो करीब 18 दिन, जैसा मैंने बताया कि 18 दिन, 31 तारीख को मार्च को वो भर्ती हुए थे और फैमिली में सर उनके और परिवार सर उनके सभी परिवार का उनकी जांच करा ली गई थी और वो सब निगेटिव। सर अभी